हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कस्टमर का सप्लायर का जो अकाउंट है वो ब्लॉक क्यों हो रहा है, उसके स्ट्रांगली रीज़न क्या है। क्योंकि बहुत सारे सप्लायर के अकाउंट ब्लॉक हो गए बट उनको जो है स्ट्रांग रीज़न ही समझ में नहीं आ रहा है उनका अकाउंट क्यों ब्लॉक हुआ है। और जो अभी भी मेशो पे सेलिंग कर रहे हैं वो भी बहुत कन्फ्यूज़ में है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, मेशो अकाउंट क्यों ब्लॉक कर रही है सप्लायर का। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको बताऊंगी मैं, ठीक है। सो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिए, मेशो के टर्म्स एंड कंडीशन में जाके, आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, मेशो के टर्म्स एंड कंडीशन में जाके आप पहले तो एक बार ठीक से मेशो के टर्म्स एंड कंडीशन रीड कर लीजिए ताकि आप भी उन्हें जो है ठीक से फॉलो कर सको। देन नेक्स्ट स्टेप है ये देखिए, क्वालिटी डैशबोर्ड आपको जो है ये मेंटेन करना है। जब कभी भी आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हो, ऑफलाइन अलग होता है ठीक है, लेकिन जब भी आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेटिंग है 4.4, यहाँ पे जो है ग्रीन ग्रीन सिग्नल है पूरा का पूरा, ठीक है। जब भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आता है तो ये जो है 3.5 के नीचे चला गया आपका कस्टमर रेटिंग, ठीक है। ये जो आपका रेटिंग है 3.5 के नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे रेड हो जाएगा पूरा। इसका मतलब यही है कि आपका अकाउंट जो है ब्लॉक होने के कंडीशन में है, ओके। सो आपको इससे बच के रहना है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप हमारा। जिसका भी अकाउंट ब्लॉक हुआ है उनका मोस्ट ऑफ द रीज़न यही रहता है कि उनका जो सप्लायर रेटिंग है वो डाउन गया है। अभी सप्लायर रेटिंग डाउन क्यों जाता है इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, और सप्लायर रेटिंग जो है इंक्रीज़ करने के लिए क्या करना है उसके लिए भी मैं डिटेल में आपको एक अलग से वीडियो बना के दिखा दूंगी, क्योंकि दोनों भी जो है अलग 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 स्टेप है और थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। सो अभी देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। ये तो आपको समझ में आ गया, रेटिंग जो है आपको ठीक से अच्छे से मेंटेन करना है। रेटिंग 3.5 के ऊपर ही रेटिंग चाहिए आपका, नहीं तो फिर वो डाउन में चला जाता है। सेकंड थिंग है ऑर्डर। ये देखिए यहाँ पे जो ऑर्डर सेक्शन आपको शो कर रहा है पेंडिंग में, ठीक है, पेंडिंग में जितने भी ऑर्डर है वो SLA ब्रीच के टाइम से पहले ही आपको जो है शिप करना है रेडी टू शिप में। मान लीजिए अगर आपको आज ऑर्डर आता है और आपने आपका ऑर्डर अगर कल आपको देना है, और अगर आप वो SLA टाइम ब्रीच कर देते हो, आप ऑर्डर कल ना देके 1, 2, 3 डेज अगर आप ऑर्डर लेट दे रहे हो अभी, और क्वांटिटी भी ज़्यादा है, मान लीजिए यहाँ पे जो है 15 ऑर्डर आपके पेंडिंग है और आप जो है थ्री डेज डिले दे रहे हो, SLA ब्रीच से 3 डेज आप डिले दे रहे हो, तो आपका अकाउंट जो है परमानेंटली भी सस्पेंड हो सकता है या फिर टेम्पररीली भी सस्पेंड हो सकता है। अगर इनकेस आपको कोई सच में प्रॉब्लम है शिप करने में तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको टिकी ट्रेस करना है कस्टमर सपोर्ट पे। लेकिन अगर आप 3 डेज से डिले करते हो कोई भी ऑर्डर शिप करने में, ठीक है, कुरियर को हैंड ओवर करने में अगर आप लेट करते हो तो आपका अकाउंट को खतरा हो सकता है, आपका अकाउंट जो है टेम्प्ररी या फिर परमानेंटली सस्पेंड हो सकता है। सो आप कस्टमर सपोर्ट में एक सिंपली मेल ड्रॉप कर दीजिए कि हमें कुछ इश्यू हो रहा है, इसके कारण जो है हमारे 15 ऑर्डर 16 ऑर्डर जो है SLA ब्रीच हो गए और हम उसे शिप नहीं कर पा रहे, हमें कुछ दिनों का टाइम चाहिए। आप अगर स्ट्रांगली कुछ रीज़न देते हो कस्टमर सपोर्ट को, मेशो को, तो वो डेफिनेटली इस पे वर्क करता है और आपका अकाउंट जो है ब्लॉक होने से बच जाता है। बट विदाउट एनी रीज़न अगर आप 3 या 4 डेज के लिए SLA टाइम ब्रीच कर देते हो तो फिर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों को। तो ये उन लोगों के लिए भी था जिन सप्लायर का अकाउंट जो है ब्लॉक हुआ है, शायद उन्होंने भी जो है SLA टाइम जो है ब्रीच किया होगा। सो आपको इन चीज़ों पर जो है ध्यान रखना है।